बठिंडा पहुंचे केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एम्स के काम च हो रही देरी नु लेके बठिंडा दे जिला प्रशासन दे अधिकारियां दे नाल बैठक कीती। इस मौके ते डीसी नगर निगम दे कमिश्नर तो इलावा बिजली बोर्ड दे अधिकारी भी मौजूद सन। हरसिमरत कौर ने कहा कि जो विभाग दे वल्लों काम च एनओसी नहीं दित्ते जा रहे या काम च देरी हो रही है उस नु लेके मीटिंग कीती गई है अते संबंधित अधिकारियों नु कहा गया है कि जो जो फॉर्मेलिटी बाकी है उन्होंने जल्द तो जल्द पूरा करवाया जाए ताकि एम्स का काम शुरू हो सके। जॉइंट मीटिंग हुई तो काफ़ी सारी और चीज़ें निकल के आई हैं कि कुछ टाइम तो पहले जो क्लीयरेंसेस अप्लाई कर दो तो फिर समा मिल जाते हैं सारे डिपार्टमेंट्स नो ते जेडे चार्जेस है के, वो वेव ऑफ करन वास्ते कुछ तो एमओयू च लिखे हुए ने कुछ जब एमओयू बनता है कई चीज़ें एक एक चीज़ की डिटेल तो होंगी नहीं है। सो स्टेट नो भी अपना हिस्सा पाते हुए जेडे सीएलयू का कोऑपरेशन मांग रही हैगी तकरीबन 3 करोड़ रुपए जी मांग रही है ये स्टेट भी इन चीज़ों भी वेव ऑफ करे वो वास्ते मुख्यमंत्री साहब न डिपार्टमेंट के सैकटरी तो गई हुई है लेकिन अपने वालों मैं मुख्यमंत्री भी चिट्ठी लिखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सपोर्ट नहीं दोनों पास्यों डिले हैगा जे जी कंपनी कर रही हैगी बिल्कुल टाइम से आके उस टाइम अप्लाई कर रही हैगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना टाइम चाहिए है क्लीयरेंसिस लैन वास्ते। सो बेनती की है डीसी साहब न कि तुम जॉइंट मीटिंग हर महीने जो बुलाओगे बच्चे जे मेरे एपीएस भी होंगे तो मैं भी पता लगता रहेगा कि दिल्लियों के क्लीयरेंसिस लेट हो रही है तो इन्हों पता लगता होगा इतों तो आप रल मिल के इस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करना है जिमें कि तो मैं आ भी ऑफर किया है कि जी चीज़ से डिले हो रही है पैसों करके वो मेरे एमपी लैट तो ला के तुम कम नहीं रोकना है आप कम अगे बताइए। बठिंडा तो नरेश शर्मा की रिपोर्ट चैनल 2।